सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वाल। लोक सभा चोणा 2024 तीजे पड़ा दी चोणा लई हो रही है वोटिंग, वोट पाउण पहुंचे पीएम मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह। केजरीवाल की जमानत पटीशन से सुनवाई अज सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला। लोक सभा चोणा नूं लैके केजरीवाल ने जमानत पटीशन की दायर। भाजपा ने दिल्ली चोणा लई ऐलाने स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। लोक सभा चोणा नूं लैके करनगे प्रचार। हुण खबरां विस्थार दे नाल। लोक सभा चोणां दे तीजे पड़ा तहत वोटिंग शुरू हो गई है। 12 सूबियां दीआं 93 सीटां ते वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। सवेर तो ही वोटरां विच भारी उत्साह वेखण नूं मिल रहा है। इस विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह भी वोट पाउण लई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद विच अपने पोलिंग बूथ ते वोट पाई। इस दौरान उन्हां दे नाल गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए। गृह मंत्री ने पोलिंग बूथ ते प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए सन। जिक्रयोग है कि अज बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ते पछमी बंगाल वर्गे कुछ प्रमुख सूबियां च वोटां पै रही ने। सारिया सीटां ते वोटां की गिनती 4 जून। भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूँ, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अज इस गल ते विचार करेगा कि लोक सभा चोणां दे मद्देनजर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत दित्ती जावे जां नहीं।
सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति नाल जुड़े मनी लांडरिंग दे मामले विच केजरीवाल दी गिरफ्तारी नूं चुनौती देण वाली केजरीवाल दी पटीशन ते सुनवाई करेगी। केजरीवाल लोकसभा चोणां दे बाकी पड़ावां दौरान प्रचार कर सकणगे जां नहीं, इह कारवाई दे नतीजे ते निर्भर करदा है। जस्टिस संजीव खन्ना ते जस्टिस दीपांकर दत्ता दी बेंच आम आदमी पार्टी दे नेता दी पटीशन ते पहले केस वजों सुनवाई करेगी। केजरीवाल नूं 21 मार्च नूं गिरफ्तार कीता गया सी ते इस समय उह तिहाड़ जेल च बंद ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि उह लोकसभा चोणां दे मद्देनज़र केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत देने ते विचार कर सकती है। भाजपा ने दिल्ली लोकसभा चोणां लई 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के मुखी जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एचएम अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असाम के सीएम एचवी शर्मा, अरविंदर सिंह लवली ते होर नेतावां नूं स्टार प्रचारक वजों नामजद किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वालों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं वड्डा झटका दिता गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वालों केजरीवाल खिलाफ NIA जांच नूं हरी झंडी दी गई है। केजरीवाल ते SJF तो सियासी फंड प्राप्त करने के इल्जाम लगे ने, जिस लई केजरीवाल खिलाफ उपराज्यपाल ने NIA जांच की सिफारिश की है। दस दिए कि केजरीवाल नूं लै के उपराज्यपाल नूं एक शिकायत मिली सी, जिस तों बाद उपराज्यपाल ने इस केस की जांच की सिफारिश की। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने भाई हरदीप सिंह निजर के कातलों को गिरफ्तार करने कनेडा सरकार का धन्यवाद किया है। श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक होए की अरदास की है। गल करते मान सिंह मान ने कहा कि 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन से उस तो बाद वापरिया सारिया घटनावां बारे उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिले, पर दूजे पास नरेंद्र मोदी तो उसके प्रशासन ने हरदीप सिंह निजर वांग वादू न्याय कतलेआम शुरू कर दिए ने। असी इन्होंने कतलों बारे चोन कमिश्नर को पटीशन भी दायर की है, तो असी इतने इंसाफ दवाने लई ट्रूडो सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। जलंधर च बस्ती पीरदाद रोड ते पुल नेड़े एक एक्टिवा नूं अचानक अग लग गई, जिस कारण एक्टिवा सवार दी जान बच गई। तुरंत एक्टिवा तो उतर के एक पासे चला गया, इन्ने विच एक्टिवा पूरी तरह सड़ के सवाह हो गई। एक्टिवा मालक ने दस्सिया कि उसने एक पेट्रोल पंप तो हुणे ही तेल पवाया सी, जिस तों बाद इह घटना घटी, पर उसकी जान का बचा हो गया। ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਪ ਤੋਂ? ਆਹ HP ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ? HP ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਗੇਲ HDFC ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। अमृतसर के मोकमपुरा इलाके विखे राजपुरा की रहने वाली भूमिका नाम की एक महिला वालों अपने पति से दूजा विआह कराने के दोष लगाए ने, जिसके चलते राजपुरा तो आए उसके मापियां का रो रो के बुरा हाल है, जिन्हें पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवा इंसाफ की मांग की है। इस संबंधी गल करते हैं पीड़ित लड़की भूमिका से उसके मापियां ने दसिया कि भूमिका वालों अमृतसर के लवदीप सिंह नाल प्रेम विआह करवाया गया सी, ते अज 8 महीने की गर्भवती होने उसके पति लवदीप वालों किसी होर औरत नाल विआह करवा लिया गया, तो उसकी बेटी छड़ के चलिया गया। पुलिस को शिकायत दर्ज करवा के भी कोई इंसाफ नहीं मिल सकिया। इस संबंध जो पुलिस अधिकारी नाल गल की तो उन्होंने कहना सी कि उन्होंने अजे तक कोई शिकायत नहीं मिली, तो फिर भी शिकायत मिलने के उपरंत दोवें पार्टियां बुला के सुन उपरंत बनती कार्रवाई अमल च लिया। मैं जिला मानसा के विआही जीवन कुमार के नाल, जीवन कुमार का 113 मुंडा लवदीप सिंह सी, अज तो 1 साल पहला ये गुड़िया मेरे को ले आया सी, पर इन्हू मैं अपनी बच्ची समझ के इनू ये विआहता,
क्योंकि ये प्यार करते कहते ब्याह कराने जाते। मैं इन्हें मैरिज कराती मुड़ के मतलब उस मुंडे ने सिखा के इनू लै गया राजपुरे उत्थे जाके सहुरिया रहन लगा। मैं चल वह भी माँ बाप ही है ये कोई गल नहीं उत्थे रह लिया इत्थे रह लिया एक ही गल आ। मुड़ के इनू धोखा दे के ते प्रेगमेंट करके इत्थे फिर बाप नाल मेरे को अपना डैडी भी लै गया कहिंदा भी मेरा बाप या तेरा घर वाला नहीं अलग रहन लगा। तो पता नहीं किहड़ी राह चलदी जनानी लैन दी उन्होंने बैटरी रिक्शा चलांदे सी उन्होंने बिठा के लैंदा कहिंदे हाडी मेरी घर दी आ मैं ब्याह करान लगा। पुंछ विच जवानां उपर होए हमले ते साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों दिए गए बयान तो बाद सियासत पूरी तरह नाल गरमा गई है। लोक सभा हलका गुरदासपुर तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पुंछ हमले ते वड्डा बयान दिंदे कहा कि चरणजीत चन्नी ने तो इस मामले ते हुण कहा कि बीजेपी सियासत कर रही है पर उस समय के लैफ्टिनेंट गवर्नर सतपाल मलिक ने बहुत कुछ किया पर उन्होंने बोलने नहीं दिता गया। उत्थे ही उन्होंने सुचा सिंह लंगाह वालों किए गए ऐलान से बोलदे कहा कि यह पार्टी के अंदरूनी मसले ने इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते इसलिए इस विचार श्रोमणी अकाली दल के हाईकमांड करें। धूरी विखे पिछले दिनी हुए सुदीप कुमार दे कतल दे रोस विच धूरी वासियां ने एक कैंडल मार्च कढ़िया। इस मौके ते सारे ही शहर दे धार्मिक ते समाजिक लोकां ने इस कैंडल मार्च विच हिस्सा लैके सुदीप दे लई उच्च पदरी जांच दी मांग कीती। उन्हें कहा कि सुदीप नूं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए जिन्हां लोकां ने भी उस नूं मारिया है उन्हां नूं भी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।